एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारी प्यारी से ज़ौली के इनोसेंस विशिंग बोल के कारण ज़ूमी टेंपल का पूरा ट्रेजर हाउस ही ब्लास्ट हो जाता है। ये इन तीनों की करामत होती है, इसलिए उन्हें उस ट्रेजर हाउस को रीबिल्ड करने का काम दिया जाता है। अब हम उन तीनों को देखते हैं उस जंगल में घूमते हुए, जहाँ सुई कह रहा होता है काफी साल पहले उसके कुनलुन सेक्ट के मास्टर ने एक सर्वज्ञानी झरने के बारे में बताया था, जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब होता है। वो लोग उस मैप में उसी सर्वज्ञानी झरने का पता ढूंढ रहे होते हैं ताकि इस सवाल का जवाब ले सके कि उस ट्रेजर हाउस को कैसे रिबिल्ड किया जाए। वे काफी देर से उस जंगल में भटक रहे होते हैं। यहाँ हमारी ज़ौली बेचारी थकते हुए कहती है कि आखिर इन पहाड़ों और जंगलों में हमारी सर्च कब खत्म होगी। यहाँ सुई से कहता है कि तुम्हारे पास एक मैजिकल वेपन है ना, जो मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है, तो तुम उस सर्वज्ञानी झरने को ढूंढने में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जिस पे सुई कहता है कि हमारे सेक्ट के मास्टर ने ये कभी बताया ही नहीं कि वो सर्वज्ञानी झरना एक मॉन्स्टर है या फेरी। और वैसे भी मेरा जो मैजिकल वेपन है वो सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है जिसकी कॉम्बैट पावर 50 से कम होती है। जिसपे ज़ौली पूछ रही होती है क्यों, जिसपे उपो उसे बताता है क्योंकि ये 50 से ज्यादा पावर वाले मॉन्स्टर से लड़ ही नहीं पाता इसलिए। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनका पीछा एक अजीब सी क्रिएचर भी कर रही होती है, जिसे हमारे दो नन्हे रैबिट मियाओ करके डरा रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं सुई गुस्से से कह रहा होता है तुम दोनों हंसना बंद करो, आज के लिए इतनी सर्च काफी है तो हम यही कैंप लगाते हैं। ज़ौली यहाँ फुदकते फुदकते लकड़ियाँ ला रही होती है और बेचारा हुपो इतनी कोशिश कर रहा होता है आग जलाने की। वहाँ सुई तो फेस मास्क लगा के चिल कर रहा होता है, जिसे देख ज़ौली कहती है मियाँ आराम फरमा निकले आए हो, हमारी मदद क्यों नहीं करते। इस पे सुई अपनी मैजिक से तुरंत फायर जला देता है और बेचारा उपो तो पत्थर ही घिसता रह जाता है। ज़ौली उस फायर को देखती है और कहती है कि अब है ना इसमें हम फूड को ग्रिल करेंगे जैसे छिपकलियाँ। इस पे उपो उसे कहता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाना ही भरा हुआ है क्या। इस बात पे उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ जाता है। जब वो देखता है तो ज़ौली उसे थप्पड़ नहीं बल्कि मच्छरों को मार रही होती है ताली बजा करके। इस पे उपो कहता है कि इस जंगल में तो मच्छरों की भरमार है, हम इस तरह से उन सहारों को खत्म नहीं कर सकती। इस पे सुई जो कि फुटबाथ ले रहा होता है वो कहता है कि तुम्हारे जैसे फूल मॉन्स्टर्स के पास क्या ही होगा, ये लो ये है मॉस्किटो क्लियर स्प्रे। इसमें उपो कहता है कि एक मिनट, तुम्हारे पास इस घने जंगल में फुटबाथ करने वाली बॉल कहाँ से आ गई। इस पे सुई कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर्स को क्या ही पता कि मैं आखिर किस किस्म का एग्जीक्यूट मॉन्स्टर हंटर हूँ। और वो उस थर्मस कप को दिखाते हुए कहता है कि ये हमारे कुनलुन सेक्ट का एवल अलाउंस है। तो सिर्फ एक थर्मस कप नहीं कि एक बॉल, एक टेंट, एक स्लीपिंग बैग, स्किन केयर, यहाँ तक कि एक जोड़े अंडरवेयर भी हाजिर कर सकता है। और फिर वो उस थर्मस कप से एक मच्छरदानी निकालता है। वो अपने इस कुनलुन सेक्ट के ट्रैवलिंग अलाउंस का बखान करने लगता है। इसके होते हुए ना तो मुझे कोई स्नेक काट सकता है, ना ही कोई इंसेक्ट अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ उपो उसकी बात को इग्नोर करते हुए खर्राटे मार रहा होता है और अपनी पूंछ से ही उन मच्छरों को भगा रहा होता है। लेकिन हमारी यहाँ बेचारी ज़ौली अपने हाथों से ही उन मच्छरों को मार रही होती है, के पीछे कूदते हुए जा रही होती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी मच्छरों। जाते जाते पानी में गिर जाती है, तभी सुई वहाँ अचानक से उठता है। उपो उसे बोलता है कि वो फिश क्रैप है, पानी में नहीं डूबेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन प्यारे से रैबिट्स को अपने फाट से उस अजीब से क्रिएचर को ही भगा देते हैं। हमारी ज़ौली यहाँ बहुत भोला सा सवाल पूछती है, क्या ये सर्वज्ञानी झरना पानी में रहता है। वो दोनों यहाँ पे आते हैं और सुई यहाँ कहता है कि मुझे तो लगता है कि पानी में ही होना चाहिए। फिर उसे अचानक से ख्याल आता है कि झरना पानी में ही तो बहता है, और फिर वो उस सर्वज्ञानी झरने को बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। जिस पे सुई कहता है अगर तुम इस वक्त बाहर नहीं आए तो मैं हुपो को कह दूंगा कि यहाँ सुसु कर दो। इस धमकी का उस पे कुछ असर नहीं होता। इस पे सुई कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं ही यहाँ सुसु कर देता हूँ। वो मैजिकल स्प्रिंग वहाँ पे अपेयर होता है और बहुत ही फनी आवाज में उनसे कहता है तुम मॉर्टल्स की इतनी हिम्मत कि मुझे नींद से जगा दो। यहाँ उससे कहता है कि हम तुम्हारे पास एक सवाल का जवाब लेने आए हैं। तो वो झरना लचकती आवाज में उन्हें कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोल का बलिदान देना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो। ज़ौली भड़कते हुए कहती है कि अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो यहाँ उपो इस वाटर में सच में सुसु कर देगा। इस पे वो झरना कहता है कि ठीक है बताओ क्या पूछना चाहते हो। लेकिन एक मिनट रुको, तुम जो जानना चाहते हो मैं तो वो बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पे सुई उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। वो झरना ऐसी चीज मांगता है जो हर एक सिंगल बॉय मांगता है, बोलता है मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। इस पे सुई कहता है ये नहीं हो सकता। फिर वो झरना कहता है कि ये नहीं हो सकता तो मुझे इमॉर्टल बनने का चांस दो। इस पे उपो कहता है कि ये भी नहीं हो सकता। अब वो झरना कहता है कि एक आइसक्रीम ही दे दो। ज़ौली कहती है कि इस जंगल में आइसक्रीम कहाँ से आएगी। अब
उनके पास यहाँ पर आइसक्रीम आ जाती है, वो भी उस कुल्लून सेक्ट के राइवल अलोंस वाले थर्मस कप से। और उस पे लिखा भी होता है कुल्लून आइसक्रीम। वो झरना उस आइसक्रीम को डिवोर कर लेता है और उनसे पूछता है कि तो बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। इस पे वो दोनों एक साथ पूछ बैठते हैं। यहाँ सुई कह रहा होता है दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट का सीक्रेट कहाँ है। हुपू उससे पूछता है मेरे इस जियान कैट गैंग का क्या फ्यूचर होगा। और यहाँ हमारी जॉली पूछ बैठती है कि उस आइसक्रीम का क्या फ्लेवर है। ये सीन बहुत ही फनी होता है। लेकिन यहाँ वो झरना जवाब देता है कि अगर तुम्हें ट्रेजर हाउस को रीबिल्ड करना है ये तो सबसे सिंपल है, तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी होगी। बिल्डिंग बनाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है और पूंजी के लिए पैसे कमाओ। अब तुम समझे तुम्हें बस पैसे कमाने की जरूरत है, जाओ जल्दी से काम पे लग जाओ। ऑली यहाँ उनसे पूछ रही होती है कि इसे कैसे पता कि हमारा क्वेश्चन ट्रेजर हाउस के बारे में था। हुपू उसे बताता है इसीलिए तो इसे सर्वज्ञानिक झरना कहते हैं क्योंकि इसे सब कुछ पता है। वो दोनों नन्हे मॉन्स्टर सोच रहे होते हैं कि वो आखिर अपना काम कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे। वे दोनों सुई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो इसका एक्सपीरियंस होगा क्योंकि तुम काफी सालों से इस कुल्लून माउंटेन पे हो। इस पे सुई कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, पैसे कमाना तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओली यहाँ बड़ी क्यूट वॉइस में बोल रही होती है लेकिन मैं अब भी जानना चाहती हूँ कि उस आइसक्रीम का क्या फ्लेवर था। जिस पे हुपू उसे कहता है तुम उस मॉन्स्टर हंटर से क्यों नहीं एक मांग लेती। इस पे जॉली कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है। सुई उन्हें मुड़ के देखता है और यहाँ वो पहले से ही बड़े मजे लेते हुए उस आइसक्रीम को खा रहा होता है उन्हें बहुत ललचाते हुए। इसी मजेदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वो पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या ही करने वाले हैं, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में और ये वाकई में बहुत 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 फनी होगा। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय।